हमारे चैनल में माया कड़े फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे सी ए एम पाथ के बारे में, C3 या केल्विन बेंसन साइकिल, C4 पाथ और तीसरा हमारा पाथ है सी ए एम पाथ। दो पहले वीडियो इसके डार्क रिएक्शन के आपके पास आ चुके हैं। आज हम क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो है स्टडी करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रूसिलेसी कुल के पौधों में अध्ययन किया गया, इसीलिए इसका नाम क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म रखा गया। अब देखिए कई पौधे हैं जैसे कि अगेव, अनानास, मक्का, इनमें जो है इसका अध्ययन सी ए एम पाथ का अध्ययन किया जा चुका है। इन पौधों की क्या खास बात होती है? ये पौधे देखिए सक्यूलेंट होते हैं, मांसल प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये? मांसल, मांसलोद्भिद भी कहते हैं इनको, मांसल प्रकृति के होते हैं। तीसरी बात, ये जो पौधे होते हैं शुष्क वातावरण में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? शुष्क वातावरण में, यानी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं ये, शुष्क वातावरण में ये ग्रो करते हैं। कम पानी वाली जगह में भी ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं। इस तरह के पौधे होते हैं ये। इन पौधों की खास विशेषता ये होती है कि ये पौधे, इन पौधों के अंदर जो लीव्स होती है वो लीव्स होती है मोटी और गुदेदार। पत्तियां कैसी होती है इनकी? मोटी होती है और गुदेदार पत्तियां होती हैं। इनकी लीव्स कैसी होती है? मोटी और गुदेदार पत्तियां होती हैं। और इनकी लीव्स के जो रंध्र हैं, इन रंध्र की प्रकृति कैसी होती है? इनके जो रंध्र है वो दिन में बंद रहते हैं। कैसे रहते हैं भाई? दिन में बंद रहते हैं और ये रंध्र रात में खुलते हैं, ओपन होते हैं, रात में खुलते हैं। और इस प्रकृति के कारण इनको जो है तिमिर सक्रिय कहते हैं। रंध्र कैसे होते हैं ये? तिमिर सक्रिय, यानी कि स्कोटो एक्टिव, तिमिर सक्रिय। रंध्र में खास विशेषता कि ये रंध्र रात में खुलते हैं और दिन में क्लोज अवस्था में ये रहते हैं, इसीलिए इनको तिमिर सक्रिय कहते हैं। ये खास बात इनमें पाई जाती है। गाइस ध्यान दीजिए कि ये जो पूरी प्रोसेस है सीएम पाथ आप पढ़ने वाले हो, ये जो क्रेस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या क्रेस्टुलेशियन अम्ल उपापचय की जो पूरी प्रोसेस है ये पाथ है। ये पाथ कहाँ जो है चलता है, कहाँ पे प्रोसेस इसकी कंप्लीट होती है? ये होती है मीजोफिल सेल्स में। कहाँ पे होती है ये? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में कंप्लीट होती है ये पार्ट। आप C4 पार्ट पढ़ चुके हो। C4 पार्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती है, इसको कंप्लीट करने में पर्ण मध्योतक। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी कौन सी सेल्स होती है? बंडल शीथ की कोशिकाएं। कौन सी होती है? बंडल शीथ, जिनको पुलाच्छद कहते हैं, जिनको पुलाच्छद कहते हैं या बंडल शीथ कहते हैं, इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इस तरह से ये जो C4 चक्र है ये पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में और पुलाच्छद कोशिकाओं में संपन्न होता है, जबकि सीएएम पाथ या ये जो
कैसिलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथ है ये पर्ण मध्यस्थ कोशिकाओं में ही संपन्न होता है। अब एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो CAM पाथ है इसमें दो प्रोसेस मोस्ट रूप से देखी गई है। किस तरह की दो प्रोसेस है ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट को आप नोट करते रहिए कि इसमें किस तरह से CO2 का फिक्सेशन होता है। फास्फोइनोल पाइरुवेट या फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड ये जो है CO2 का उपयोग करते हुए क्या बनाता है, CO2 का उपयोग करते हुए ये बनाएगा ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल। क्या बनाएगा ये, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल। ये प्रोसेस होगी अंधेरे में। किसका कौन सा एंजाइम का उपयोग होगा यहां पे, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम का उपयोग करते हुए फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड CO2 को यूज में लेते हुए और इस एंजाइम का प्रयोग करते हुए ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाएगा। ये प्रोसेस चल रही है कहां पे, अंधेरे में ये प्रोसेस चल रही है। अब ये ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल है वो किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा मैलिक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट होगा, ये मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। देन इसके बाद आप देखिए अंधेरे में ये प्रोसेस चल रही है, डार्क में ये कंडीशन चल रही है। इसके बाद ये जो मैलिक अम्ल है ये मैलिक अम्ल जो है दिन के उजाले में या जिसको कह सकते हैं दिन के टाइम पे, ये नाइट में चल रही है प्रोसेस, दिन के टाइम पे ये मैलिक अम्ल जो है यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा CO2 को रिलीज करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक अम्ल में। ये कन्वर्ट हो गया पाइरुविक अम्ल में। इस CO2 का उपयोग कौन करेगा, इस CO2 का उपयोग करेगा RUBP। याद आया कुछ आपको, यह RUBP उपयोग करते हुए यहां पर कौन सी साइकिल चालू हो गई, केल्विन चक्र। कौन सी साइकिल चालू हो गई, यह बात समझ में आ रही है आपको, आपको कि फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड CO2 का उपयोग करते हुए ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल जो है मैलिक अम्ल में कन्वर्ट होता है और मैलिक अम्ल ये जो है ये नाइट में चलने वाली प्रोसेस है, रात के अंधेरे में एक प्रक्रिया संपन्न हुई, दिन में ये जो है मैलिक अम्ल कहाँ ट्रांसफर हो गया, किसमें टूट गया, ये जो है डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिलीज हो जाएगी और ये पाइरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 जो रिलीज हुई है उसका उपयोग किसने किया, RUBP ने, RUBP ने इसका उपयोग किया और यहां पर ये केल्विन चक्र प्रारंभ हो गया। यहां तक आपको क्लियर कट समझ में आ चुका होगा। इसके बाद केल्विन चक्र से क्या बनने वाला है, केल्विन चक्र से बनने वाला है बच्चों PGA का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन। और फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होने के बाद नेक्स्ट यहां पर शर्करा या शुगर जिसको कहते हैं शुगर का फॉर्मेशन होगा और शुगर का फॉर्मेशन होने के बाद ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, स्टार्च में कन्वर्ट होगा। ये पाइरुविक अम्ल जो है इसी कंडीशन में बने हुए वैक्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और इस स्टार्च की स्थिति क्या होती है कि वापस इसकी प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाती है। ये शुगर की कंडीशन केल्विन चक्र के द्वारा PGA फॉर्मेशन होके शुगर बन चुकी है और यहां पर वापस ये पाइरुविक एसिड जो है फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल के द्वारा उसी प्रोसेस में शामिल हो जाता है।
इस तरह से ये जो प्रोसेस चल रही है ये जो है रात में और दिन में कैसे चल रही है ये प्रोसेस, लेकिन हो कहां रही है, ये मीजोफिल सेल्स में। कहां संपन्न हो रही है ये? मीजोफिल सेल्स में संपन्न हो रही है। इस तरह से इस प्रोसेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहां तो हो रहा है CO2 का फिक्सेशन। क्या हो रहा है? ये फिक्सेशन हो रहा है। और यहां पर इसका क्या हो रहा है? यहां पर CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, यहां पर इस CO2 का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? CO2 का रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है CAM पाथ के नाम से जानी जाती है, जो कि इन पौधों के अंदर शुष्क वातावरण में जो उगते हैं पौधे उनके अंदर ये पाई जाती है, जिनकी पत्तियां मांसल और गुदेदार होती हैं और इन पौधों के अंदर जल की कमी रहते हुए भी ये जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं। आपने आज क्या सीखा? याद करिए, आपने क्या सीखा? CAM पाथ को आपने सीखा, जो कि इसकी प्रोसेस है कैसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, वो रात के अंधेरे में और दिन में संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है? फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड CO2 का उपयोग करते हुए ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाएगा, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल कन्वर्ट होगा मैलिक अम्ल में, मैलिक अम्ल का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। कब होगा? दिन में होगा। और दिन में होगा तो डीकार्बोक्सिलेशन से CO2 रिलीज हो जाएगी, और CO2 रिलीज होने के बाद ये मैलिक अम्ल पाइरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा, जो कि वैक्यूल्स में एकत्रित होता रहेगा। यहां पर CO2 का फिक्सेशन स्थिरीकरण जिसको कहते हैं ये हुआ, और ये कंप्लीट प्रोसेस मीजोफिल सेल्स में चल रही है। क्लियर है? और डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा जो CO2 यहां पर रिलीज हुई है, इसका उपयोग RUBP ने किया, और ये RUBP केल्विन चक्र में प्रवेश करते हुए क्या बनाएगा? यहां पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, जो किसमें कन्वर्ट होगा? शर्करा या शुगर जिसको कहते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद ये स्टार्च में कन्वर्ट होगा। इस तरह से ये प्रोसेस, ये पाइरुविक अम्ल वापस इसी जो है सर्किल में प्रवेश कर जाएगा, इसी साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। पेप कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में CO2 का उपयोग करते हुए वापस ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाएगा। तो ये पूरा पाथ हुआ CAM पाथ, कैसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो कि अगेव मक्का और अनानास नागफनी ऑल्सो, ये जो है नागफनी में भी मिलता है। ये सारे शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां मांसल और गुदेदार होती हैं, इनको मांसलोद्भिद पौधे भी कहते हैं। इस तरह से CAM पाथ में हुआ क्या? CO2 का फिक्सेशन रात में हुआ है स्थिरीकरण, और दिन में रिडक्शन होकर के शुगर फॉर्मेशन हुआ है। इस तरह से ये जो है इनके अंदर जो रंध्र है वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं, और इनको तिमिर सक्रिय भी कहते हैं। तो गाइस, C3 साइकिल जिसने क्लियर करी है, C4 साइकिल जिसने क्लियर करी है, उनके ये जो है आसानी से समझ में आ जाएगा CAM पाथ। इसको आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। ओके गाइस, थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।